ये सरकार नमस्कार माहौल आई होप मस्त तरीके से आपका फास्ट एंड फ्यूरियस रिवीजन हो रहा है आइए सर चैप्टर नंबर टेन की तरफ बढ़ते हैं पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी सरकार सेक्शन में फोर्टी नाइन सिंपल सी बात करता है तीन इलेक्ट्रॉनिक लेजर होते हैं सर आपके जीएसटी पोर्टल पर जब आप लॉग करेंगे तीन लेजर आपको मिलेंगे ई लेजर्स इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर एंड इलेक्ट्रॉनिक लाइब्री लेजर अब सर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के बारे में बात कर लेते हैं सर हम सर किस किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक अच्छा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अकाइंड ऑफ ई वॉलेट सर यहाँ पे आप पहले क्या करेंगे सर टैक्स पहले जमा कराएंगे सर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में मेजर हेड वाइज माइनर हेड वाइज कॉलम बने हुए साहब वहां पे आप पहले चालान फिल करेंगे आप अमाउंट पहले डिपॉजिट करेंगे उसके बाद जब रिटर्न फाइल करेंगे

अब मैनुअल चालन या फिजिकल चालन है ही नहीं जीएसटी के अंदर सारे चालन क्या है ऑनलाइन है सिंगल चालान ही सर आपको बनेगा ऑनलाइन जनरेट करना पड़ेगा आपको रेस्पेक्टिव मेजर हेड माइनर हेडवाइज अमाउंट फिल करना पड़ेगा और वो सिंगल चालन जो आपका जनरेट होगा उसी के थ्रू टैक्स पेमेंट होगा क्लियर सर फिर आपने मानो चालान वैल्यू जमा चालान पूरा फिल कर दिया चालन जनरेट कर दिया उसके बाद पेमेंट का ऑप्शन आएगा अब पेमेंट करने में आप मान लो नहीं हो पा रहा किसी कारण से पेमेंट या आपको बाद में करना है तो फिफ्टीन डेज तक ये चालन आपका वैलिड रहेगा फिर द डिपॉजिट मेड बाय वन और ऑफ द मोड एंड देंट्रेस विल बी क्रेडिट टू इलेक्ट्रॉनिक कैश कैश लेजर सर जो भी आप अमाउंट जमा करेंगे वो कहा जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जाएगा बेटा क्लियर अब सर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से आप क्या होगा बेटा आपके मेजर हेड हेड वाइज आपको अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ेगा सर ध्यान देना अब जो बात कर रहा हूँ मैं सर उसमें टैक्स सर मेजर हेड कौन कौन से बेटा सी जी एस टी एस जी एस टी आई जी एस टी यू टी जी एस टी और जीएसटी कंपनीस अब सर यहाँ पे माइनर हेड कौन कौन से होंगे टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी लेट फी अदर सम समेबल क्लियर अब आपको मेजर हेड वाइज माइनर हेड वाइज कॉलम जो रखे आपको रेस्पेक्टिव अमाउंट फिल करके चालान जनरेट करना पड़ेगा अब सर मान लो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के किसी एक हेड में मेजर हेड या माइनर हेड में फंड पड़ा है एक्स्ट्रा दूसरे मेजर हेड या माइनर हेड में लाइबिलिटी एक्स्ट्रा है क्या यहाँ से वहां

किसी भी माइनर हेड से फंड आप पहले ट्रांसफर कर दीजिए उसी माइनर हेड उसी मेजर हेड के किसी भी माइनर हेड में या किसी भी मेजर हेड के किसी भी माइनर हेड में फंड ट्रांसफर कर दीजिए इनफैक्ट सीजीएसटी और आईजीएसटी के कैश लेजर से आप अपने डिस्टिंग पर्सन को भी कहा बेटा डिस्टिंग पर्सन को भी फंड ट्रांसफर कर सकते हो सीजीएसटी और आईजीएसटी में और ऐसे केस में सर यहां से ये यह मानेंगे कि इस पर्सन ने वो रिफंड क्लेम किया और जो पर्सन पर्सन था उसको वहां अमाउंट डिपॉजिट हो जाएगा बेटा क्लियर पर डिस्ट्रिक पर्सन को फंड ट्रांसफर तभी आला होगा जो पर्सन ट्रांसफर कर रहा है फंड उसके पास खुद के पास तो बेटा लाइब्रेड पेंडिंग है वो किसी और को फंड ट्रांसफर कर रहा है भाई पहले खुद की लाइब्रेड पे करो उसके बाद फंड ट्रांसफर करिए बेटा इसलिए अगर खुद की लाइब्रेड ड्यू

किसी में फंड ट्रांसफर किया है तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा उतना अमाउंट अपने फंड से निकाल के सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा सेम वे सी जी एस टी के अकाउंट से अपने फंड निकाल के एस जीस टी के में फंड ट्रांसफर किया है तो ऐसे केस में सर सेंट्रल गवर्नमेंट उतना फंड निकाल के स्टेट उस स्टेट गवर्नमेंट को फंड ट्रांसफर करेगा ये सेक्शन दे रखा बेटा ओके आइए इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर ये हम ऑलरेडी आई टीसी पर पूरा पढ़ चुके हैं बेटा पर फिर भी बताता मैं आपको रिवाइज कर रहा हूं एक तरह से फॉर पेमेंट ऑफ लाइब्रीडीडी ऑफ आई आईजीएसटी लाइब्रेड को पे करने के लिए सबसे पहले आई जी एस टी आई टी का उसके बाद सीजीएसटी आई टी का उसके बाद एस जीएसएस

अगर अवेलेबल है तो सबसे पहले आई जीएसटी की लाइब्रेडी को पे करने में काम आएगा का। उसके बाद सी जीएसटी और एस जीएसटी इन एनी ऑर्डर इन एनी प्रोपोर्शन यू कैन यूज द आईटीसी पर सबसे पहले आई जी एस टी का आई टीसी को पूरा कंज्यूम करना है उसके बाद बैलेंस बचा तो C -GST की सी जीएसटी का आईटीसी लाइब्रेडी बचती तो फिर C -GST की सी जीएसटी आईटीसी काम आएगा पर सी जीटीसी पहले सी की आईजीएसटी का आईटीसी पूरा खत्म हो गया उसके बाद C को यूज करोगे अब सी जी एस टी का आई टी करना पहले किसमें का यूज करेंगे खुद की के लिए मतलब सी की के लिए उसके बाद आई जीटी लाइब्रीक ले सी जीएसटी का आई टीसी काम आएगा पर इसमें काम नहीं आएगा सेम वे एस जीएसटी और यूटी जीएसटी पहले खुद की लाइब्रेड पे करने में काम आएंगे उसके बाद आई जीटी की लाइब्रेड को पे करने में काम आएंगे पर सी जीएसटी में कभी काम नहीं आएंगे पर ध्यान रखना हमेशा आई जीस को पहले यूज करना है और हाँ आई जीएसटी को एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बनता बताया आई जेस टी का आई ध्यान रखना कि सर पहले आई लाइब्रेरी के लिए काम लेना फिर C और एस में यूज करते वक्त देखना सी का लाइब्रेरी कितना है सी का क्रेडिट कितना है एस का लाइब्रेरी कितना है एस का क्रेडिट कितना है फिर देखना कि सर कितना लाइब्रेरी सी और एक्स्ट्रा बच रहा है उसके अकॉर्डिंग आप आईजीएसटी यूज करना सो दैट मिनिमम कैश आउटफ्लो हो सरकार आइए अच्छा देनाबस में, में नहीं है था मैंने के पढ़ा है, छोड़ दो भी आप। सरकार, अब इलेक्ट्रॉनिक लेजर क्रेडिट लेजर, आ, लेजर, और लेजर के लिए एक था बच्चों में समझाता हूँ सबसे पहली बात तो ये कि आपकी अगर सेल्फ असेस लाइब्रेड है इन द रिटर्न या भले ही जीएसटी ऑफिसर ने आपकी लाइब्रेरी किसी प्रोसीडिंग में निकाली है बेटा उस लाइब्रेरी को पे करने के लिए आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का यूज कर सकते हो कोई तकलीफ वाली बात नहीं है भले लाइब्रेडी खुद ने असेस नहीं करी या ऑफिसर ने बताई उस लाइब्रेरी को करने के लिए आप क्रेडिट लेजर यूज कर सकते हो मतलब आई यूज कर सकते हो पर पर सर रिवर्स चार्ज की लाइब्रेड है तो सर अगर मान लो मैंने कोई अप्लाई लिया है और रिवर्स चार्ज में रेसिपेंट खुद लाइबल है तो ऐसे केस में जब मैं टैक्स पे करूंगा तब तो मैं कैश लेजर के थ्रू ही टैक्स पे करूंगा क्योंकि मेरा इन्वर्ट अप्लाई है आउटपुट सप्लाई के लाइव को लिए आईटीसी काम आता है आउटपुट लाइविली को पे करने में काम आता है आईटीसी पर सर इनपुट लाइवलिडी को पे करने के लिए रिवर्स की लाइव को पे करने के लिए कभी भी आईटीसी यूज नहीं कर सकते दैट हैज टू बी पेड थ्रू कैश लेजर ओनली हां पे करने के बाद उसका आप आईटीसी ले सकते हो वो तकलीफ नहीं पर उसको पे करने के लिए कभी भी क्रेडिट काम नहीं आता है बेटा फिर सर इंटरेस्ट पेनल्टी फी अदर अमाउंट पेबल के लिए हमेशा कैश लेजर ही यूज कर सकते हो क्रेडिट लेजर कभी भी काम नहीं आएगा सेम वे अगर मान लो एस रिफंड गलती से मिल गया देना पड़ेगा only, उसको करने के लिए आप यूज नहीं कर सकते हो क्लियर डन सरकार खत्म होता है अब आइए इलेक्ट्रॉनिक रजिस्टर सर लाइब्रेड डिस्चार्ज करने का ऑर्डर देगा प्रीवियस टैक्स पेड का टैक्स एंड अदर ड्यूज पे करेंगे फिर, एंड अदर ड्यूज पे करेंगे उसके बाद अगर सर आपकी सेवेंटी थ्री सेवेंटी फोर की लाइब्रेडी तो वो आप पे करेंगे क्लियर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के लिए हमने बात कर ली इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जो भी आप अमाउंट जमा कराएंगे वो प्लस टी डी एस टी सी का जो अमाउंट डिपोजिटिटिटिटिट था वो सब अमाउंट इसमें आएगा और उसको आप यूज करेंगे आपकी टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी लेट फी अदर समेबल किसी भी लाइब्रेड को पे करने में कैश लेजर काम आ जाएगा क्रेडिट लेजर के अंदर आई टी सी जो होता है जो सेल्फ असिस्ट बेस पर आप आई टी सी लेते हो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर वो क्रेडिट आप लेते हो और वो क्रेडिट काम आता है केवल और केवल टैक्स पे करने के लिए अदर लाइब्रेरी पे करने में कभी भी क्रेडिट काम नहीं आता है लाइब्रेरी रेशन में सारी लाइब्रेड होती है टैक्स की हो इंटरेस्ट की हो लेट पेमेंट फी की हो पेनल्टी की हो दर की हो सबकी इसमें देखेगी उसको पे करने के लिए आप रेस्पेक्टिव लेजर यूज करेंगे जैसे हमने पढ़ा बेटा क्लियर अब आइए बड़ा इंपॉर्टेंट बड़ा अच्छा पॉइंट इंटरेस्ट ऑन डेट पेमेंट ऑफ टैक्स सेक्शन फिफ्टी बहुत ही सुंदर सेक्शन ध्यान देना बेटा अगर आप

मान लो आपकी लाइब्रेड फोर्टी थाउजेंड रुपये की आपके पास आई टी सीस हजार रुपए का आपने चालीस हजार की लाइब्रेड को पे करने के लिए तीस हजार का क्रेडिट यूज किया और दस हजार इंटरेस्ट लगेगा सर सॉरी ये मान लो जनवरी महीने की लाइब्रेड थी आपने जुलाई में पे किया अब इंटरेस्ट लगेगा वो पूरे चालीस हजार लगेगा दस हज़ार रो लगेगा चालीस हजार था ग्रोथ टैक्स लाइब्री दस हजार था नेट टैक्स पेड थ्रू कैश और थर्टी थाउजेंड आपके पास आईटीसी था तो आपको

डिक्लेयर करना रह गया था अब जाके मैं इस रिटर्न में जाकेर कर रहा हूँ तो वो चालीस हजार की लाइब्रेक को पे करने के लिए चालीस हजार इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा थर्ड बात अगर सेक्शन नंबर 73, 74 की लाइब्रेड थी तो हमेशा दैट हैज टू बी पेड और उस पर ग्रोथ टैक्स लाइब्रेरी उसी पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 18 परसेंट पर से क्लियर डन ये तो मैं आपको बता चुका कि किन किन केस में आपको अमाउंट ऑफ टैक्स लाइव पे करना है और किस केस में आपको नेट टैक्स लाइव क्लियर अब सर टी सी अवेल किया और उसको यूज करने से पहले ही आपने रिवर्स कर दिया तो कोई इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं पर अगर आपने रॉन्गली अवेल्ड आई टीसी को यूज कर लिया तो सर अब जितना अमाउंट आपने यूज किया सर उस पर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा अच्छा वो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट करना 18 है सर अब जब से आपने यूज किया होगा तब से आपको इंटरेस्ट पे करना है अब यूज कब किया कैसे पता पड़ेगा तो ऐसे के रूल ने बता रखा है कि सर आपने मान लो रॉन्गली अवेल आईडी था पांच लाख रुपए का बेटा सही अवेल आईडी दस लाख रुपए का टोटल हो गया कितना पंद्रह लाख का अब मान लो जनवरी महीने में था दस लाख का क्रेडिट आपके पास सही था पांच लाख का रॉन्गली अवेल था अब फिफ्टीन लेख के आपके पास टोटल आईटीसी हो गया अब जनवरी महीने का लाइब्रेड था आठ लाख रुपए का रूपीज एट लेख का तो ये मानेंगे आठ लाख जो आपने यूज किया है लाइब्रेड को पे करने के लिए आईटीसी वो सही वाला यूज किया मतलब आपके पास अकाउंट बैलेंस कितना बेटा आठ लाख की लाइव लेक बचा तो सेवन लेख में से पांच लाख कौन सा है जो रॉन्गली अवेल्ड था मतलब आपने अभी तक आईटीसी यूज नहीं किया अब उससे पहले ही आपने यूज करने से पहले आपने रिवर्स कर दिया नेक्स्ट महीने में दो महीने बाद दर इज नो पॉइंट ऑफ एनी इंटरेस्ट एट ऑल पर अगर मान लो आपने आईटीसी पांच लाख का रॉन्गली अवेल किया था जनवरी महीने में जुलाई में जाके पांच लाख का आईटीसी रिवर्स किया गवर्नमेंट को पे किया पर

अगर आपने 20 मई या उससे पहले रिटर्न फाइल कर दिया तो एक्चुअल डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न और अगर आपने ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग से लेट रिटर्न फाइल किया था तो मानेंगे 20 मई तो सर

होता अब और ध्यान देना बेटा इंटरेस्ट का पेमेंट जो होता है वो हमेशा वॉलंट्रीली होता है ये आपको गवर्नमेंट आपको नहीं बोले उससे पहले आपको पे करना चाहिए और किसी डिमांड नोटिस में डिमांड नोटिस वैसे पॉइंट आपके सिलेबस में आते नहीं है पर डिमांड ऑर्डर में अगर इंटरेस्ट नहीं भी लिखा है तो भी आपको वॉलंटरी पे करना होता है इसी के साथ भारत माता की जय ये सेक्शन भी खत्म होता है अब ये सेक्शन 49 और 50 हमने इस चैप्टर के अंदर पढ़े आई होप समझ में आया आई होप पॉइंट पूरा क्लियर हो हो गया एंड रिवीजन रहा है आपके धमाधम दम, माहौल के साथ ऑल दी बेस्ट लव यू लॉट मस्त होके पढ़िए खुश होकर बढ़िए आपकी सफलता के लिए वी आर देयर फॉर यू सारे हमारी पूरी टीम आपके लिए प्रेयर करती है आपके पेरेंट्स आपके साथ है आपके आपके साथ है आपके आपके फ्रेंड्स साथ बस आप पढ़ो पूरा दिल लगा के पढ़ो मस्त होके पढ़ो हमारी प्रेयर्स आपके साथ है वी ऑल आर विथ यू माहौल जबरदस्त शानदार बवाए मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर